हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समित एंड वेलकम टू एडीटेक। व्हाट्सएप तो सभी को पता है जो कि सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। तो व्हाट्सएप से रिलेटेड 10 ऐसे कूल ट्रिक आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शायद हो सकता है ये इसमें से कुछ ट्रिक आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल ADTech, जहाँ पे मैं ऐसे ही एप्लीकेशन, गेमिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को हिंदी में डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल ADTech को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो हिंदी में मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप में अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो नॉर्मल से टेक्स्ट में जाता है। अगर आपको इस टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या स्ट्राइक थ्रू करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको ईजिली आपको अपने जो टेक्स्ट होगी उसके आगे स्टार, उसके बाद जो भी आपको वर्डिंग लिखना है वो लिखिए, उसके बाद एंड में स्टार लगाते हैं तो ये जो आप वर्डिंग लिखते हैं वो बोल्ड में हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको इटैलिक लिखना है तो आपको सबसे पहले अंडरस्कोर लिखना होगा, उसके बाद सेम आपको टेक्स्ट लिखना होगा, उसके बाद एंड में भी आपको अंडरस्कोर लगाना होगा, जिससे आपका जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक हो जाएगा। अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना है तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना होगा स्टार्ट में, उसके बाद आपको सेम आपका जो वर्डिंग लिखना होगा और एंड भी आपको सेम सिंबल के साथ आपको एंड करना होगा, जिससे आपका जो टेक्स्ट हो जाएगा वो अंडर स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। सेम अगर आप तीनों चीज़ भी इस चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं हेलो लिखता हूँ, उस लिखने से पहले मैं आपको स्टार, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद वो वाला सिंबल लगा देता हूँ, उसके बाद मैं हेलो टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं सेम पहले ये वाला सिंबल यूज़ करता हूँ, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद स्टार। इसका मतलब होता है कि मेरा जो टेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक और अंडर स्ट्राइक थ्रू तीनों हो चुका है, जिससे मैं ये टेक्स्ट को भेज सकता हूँ। तो ऐसा आप इंटरेस्टिंग जो टेक्स्ट है उसको भेज सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड्स को, जिससे आपका जो इम्प्रेशन है वो बढ़ेगा। अगले ट्रिक में आपको बताना चाहूँगा कि हम एक स्मार्ट में एक ही व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन ड्यूल सिम है और आप चाहते हैं कि आप अपने दोनों नंबर पर व्हाट्सएप चालू करना चाहते हैं तो वो आप अपने स्मार्टफोन में इजीली कर सकती है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है पैरेलल स्पेस। जैसे आप पैरेलल स्पेस को डाउनलोड कर लेते हैं वैसे आपको एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अभी तो फिलहाल मेरे को व्हाट्सअप का पैरेलल स्पेस बनाना है, यानी व्हाट्सअप ड्यूल व्हाट्सअप यूज़ करना है, तो मैं व्हाट्सअप पे क्लिक करके ऐड टू पैरेलल स्पेस कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सअप है वो ड्यूल स्पेस में मतलब दो व्हाट्सअप को क्रिएट कर देगा, जिससे मैं अपना सेकेंड व्हाट्सअप को भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग व्हाट्सअप पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो नया नंबर से मैं मुझे लॉगिन करने बोलेगा, जहाँ से मैं एग्री और कंटिन्यू करके ड्यूल व्हाट्सअप को यूज़ कर सकता हूँ। अगले ट्रिक की बात करूँ तो आप कभी भी अपना जो प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हो, जैसे आप गैलरी पे जाके अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सेट करते हो, तो वो कभी भी आपका जो इमेज है या जो प्रोफाइल पिक्चर है वो पूरा नहीं आता है, वो एक स्क्वायर टाइप में आएगा, यानी आपको जितना भी स्क्वायर में आपका इमेज आएगा उतना ही आपका प्रोफाइल पिक्चर या डीपी होगा। तो इसके लिए आपको अगर ये फुल इमेज को आपके जब प्रोफाइल पिक्चर में सेट करना है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है स्क्वाड्रॉइड, ये करके एक एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं इसे ओपन करना होगा, उसके बाद पिक अ फोटो का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप इमेज को पिक कर सकते हो, यानी आपको जिधर से भी इमेज, जो भी इमेज आपका जो स्क्वायर टाइप में करना है उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं वो जो आपका इमेज है वो स्क्वायर टाइप में कर देगा। उसके बाद आपको एक सेव का ऑप्शन मिलता है, क्रॉप का ऑप्शन मिलता है और रोटेट का ऑप्शन मिलता है। आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इमेज की क्वालिटी को सेट करके आपका जो इमेज है उसे सेव करना होगा। उसके बाद आप उस इमेज को अपने प्रोफाइल के पिक्चर में इजीली यूज़ कर सकते हो। अगले ट्रिक की बात करूँ तो आप चाहते हैं कि आपका जो भी मैसेज आपने जो पढ़ा है वो चाहते हैं कि आपका फ्रेंड या कोई भी सामने वाला ना समझ पाए कि आपने वो मैसेज पढ़ा है, ना जो ब्लू ट्रिक आता है, ब्लू ट्रिक का मतलब होता है कि आपने मैसेज रीड कर लिया है वो ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये तीन डॉट के ऑप्शन पर जाना होगा, जहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पर जाते हो वैसे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट के ऑप्शन के बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे आपको रीड रिसिप्ट करके एक ऑप्शन होगा, जहाँ पे टिक किया होगा वहाँ पे आपको एक अनटिक करना होगा, जिससे आपका जो मैसेजिंग टिक है जो कि ब्लू टिक आता है वो नहीं आएगा। तो ये
सेटिंग चेंज करके आप मैसेज एक ऐप को हाइड कर सकते हो, यानी आपने मैसेज पढ़ा है वो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। अगले व्हाट्सएप ट्रिक की बात करूँ तो आप अगर चाहते हैं कि आपने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर लिए और आप अपना चाहते हैं कि अननोन पर्सन से आप अपना जो इमेज है या फिर प्रोफाइल पिक्चर है या अपना जो स्टेटस है उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, इसके लिए आपको यहाँ पे तीन डॉट के ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप वहाँ पे टिक करके आप सेटिंग के ऑप्शन में जाना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पे जाते ही आपको अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट सीन का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगी उसको या नोबडी यानी कोई भी नहीं ये यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आप नोबडी पे करोगे यानी आपका लास्ट सीन किसी को भी पता नहीं चलेगा। वैसे आपको प्रोफाइल फ़ोटो का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। और स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप अपना जो स्टेटस है वो भी शेयर कर सकते हो या नहीं शेयर कर सकते हो। तो ऐसे ऑप्शन को चेंज करने के बाद आप अपनी जो प्राइवेसी सेटिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। व्हाट्सएप के अगले ट्रिक की बात करूँ तो अगर आप व्हाट्सएप का कॉल यूज़ करते हो यानी आप अगर आप व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको व्हाट्सएप में एक सेटिंग मिल जाता है जिससे आप अपना जो डाटा है इंटरनेट का डाटा है उसे सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको ये जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे जाना होगा, उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पे जाना होगा, उसके बाद आपको डाटा यूजर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको लो डाटा यूजर्स का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आप अगर टिक करते हो तो आप जब भी वॉइस कॉल करते हो व्हाट्सएप के थ्रू तो आपका कुछ इंटरनेट का डाटा वो सेव होता रहेगा। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के यूजर्स में। व्हाट्सएप के अगले ट्रिक की बात करूँ तो अगर आपने बहुत से ग्रुप ज्वाइन किए तो आपस में बहुत से लोग चैट करते हैं तो जिससे पता नहीं चलता है कि कौन किसे रिप्लाई कर रहा है। अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर किसी पर्सन को अगर रिप्लाई देना चाहते हैं स्पेशली तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप के उस मैसेज को क्लिक करना होगा जिस पर्सन को आप रिप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप उस पर्सन को स्पेशली रिप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप मैं इस पर्सन को रिप्लाई करना चाहता हूँ नाइस लिख के, तो फिर जैसे ही मैं नाइस लिखता हूँ तो वो पर्सन के लिए स्पेशली मैसेज जाएगा जिससे वो पर्सन समझ जाएगा कि ये मैसेज जो है स्पेशली उस पर्सन के लिए भेजा गया है। तो ऐसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप में कोई कोई इमेज ऐसे होते हैं जिसे आप जैसे ही क्लिक करना चाहते हो उस इमेज को देखने के लिए तो जैसे ही वो इमेज ओपन हो जाता है तो इमेज के अंदर कुछ दूसरा होता है और उसका जो प्रीव्यू होता है इमेज डाउनलोड होने से पहले वो कुछ और दिखाया जाता है। ऐसे इमेज को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन का नाम है जिस एप्लीकेशन में के थ्रू आप भी ऐसे इमेज को बना सकते हो, उस एप्लीकेशन का नाम है इमेज प्रीव्यू। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे इमेज प्रीव्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको यहाँ पे ऐसा विंडो दिखेगा जिसमें आपको ओरिजिनल इमेज और प्रीव्यू इमेज करके एक दो ऑप्शन मिलेंगे जहाँ से आपको ओरिजिनल इमेज में वो इमेज रखना है जहाँ पे जो आप पर्सन जो डाउनलोड करेगा उसको इमेज दिखने वाला है। तो क्लिक टू सेलेक्ट फोटो में जैसे ही आप ओरिजिनल इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रीव्यू इमेज पे सेलेक्ट करना होगा जो कि डाउनलोड होने से पहले दिखाई देता है। तो वो ऐसे इमेज को सेलेक्ट कीजिए जिससे वो बेवकूफ़ बने। तो ऐसे इमेज के थ्रू आप उस बंदे को या उस ग्रुप में आप ऐसे इमेज भेज सकते हो जिसको डाउनलोड होने के बाद वो इमेज कुछ और रहे और इमेज डाउनलोड होने से पहले कुछ और दिखे। व्हाट्सएप आप जब भी यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप में ऐसे कई सारे ग्रुप होते हैं जिसमें जो इमेजेस होते हैं वो रिपीटेड इमेज आपको सेंड किया जाता है या कुछ इमेज जो है जंक इमेज हो जाते हैं या डुप्लीकेट इमेज बहुत ही स्टोर होते रहते हैं। तो ऐसे इमेज को आप डिलीट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन है जहाँ पे वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको खुद एप्लीकेशन बता देगा कि ये सब आपका जंक इमेज है या डुप्लीकेट इमेज है, वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ये एप्लीकेशन का नाम है शिफ्टर मैजिक। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इमेज को डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपको एनालाइज करके बताएगा कि कितना फ़ोटो है जो कि जंक फ़ोटो है। तो इसके बाद आपको जो भी इमेज डिलीट करना है यहाँ से आप उसे मार्क करके उसके ऊपर सेलेक्ट करके उसे ईजिली डिलीट कर सकते हो, तो जिससे आपका स्टोरेज भी सेव होगा और साथ ही आपके स्मार्टफोन जो धीरे चलता है यानी स्पीड लो हो जाता है कि ऐसे सभी फ़ोटो से तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद जिस इमेज को आपको डिलीट करना है
फिर डिलीट के ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है, स्किप डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ये सभी फ़ोटोज़ को डिलीट कर सकते हो। व्हाट्सएप की ट्रिक में अगली ट्रिक के बारे में बताओ, तो अगर आप चाहते हो कि किसी का चैट आप हाइड करके रखना चाहते हो, अगर आप स्मार्टफोन आपका स्मार्टफोन कोई भी ले लेता है, आपका मैसेजेस पढ़ता है, तो आप चाहते हो कि आपका स्मार्टफोन का जो किसी पर्सन का मैसेज है वो हाइड हो जाए, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको समझिए ये मैसेज मेरे को हाइड करना है, तो यहाँ पे आपको अर्चीव का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आपका जो मैसेज है अर्चीव हो जाता है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन में उनका जो आप पर्सन का मैसेज है वो आपको नहीं दिखाएगा, उसका जो सेपरेट एक अर्चीव चैट करके लिस्ट होगा जहाँ से आप उसका मैसेज देख सकते हो। तो जैसे ही आपका स्मार्टफोन कोई भी लेगा तो वो मैसेज ढूंढेगा तो आपको उसका मैसेज नहीं मिलेगा, उसका सिर्फ मैसेज आपको अर्चीव चैट के इसमें ही मिलेगा। उसके बाद अगर आपको फिर से रिस्टोर करना है तो इसे फिर से आपको सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जिससे वो मैसेज फिर से आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी के भी मैसेज को हाइड कर सकते हैं, अर्चीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में जिससे उनको भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो हिंदी में मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।